भाजपा सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल बुधवार को देवास जिले के बागली पहुंचे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की पहल जल गंगा संवर्धन अभियान के चलते कालीसिन नदी के उद्गम स्थल का पूजन किया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने जटाशंकर स्थल पहुंचकर भगवान का जलाभिषेक किया और वहां की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर अभियान में भाग लिया और वहां का निरीक्षण कर सफाई अभियान में भाग लिया। इसके बाद वे बागली पहुंचे, जहां उन्होंने काली सिंध नदी के उद्गम स्थल की पूजा की और वहां का निरीक्षण किया। मंत्री पटेल ने इस अभियान के बारे में सभी क्षेत्र के ग्रामीणों को जानकारी देते हुए जल संरक्षण और पौधारोपण के महत्व के बारे में बताया और सभी से पौधारोपण करने की अपील की। तो ये एक जगाने का समय है, पूरी बरसात पड़ी है, हम वृक्षों को लगाएंगे तो वो जिंदा भी रहेंगे। वृक्ष है तो जल है, जल है तो जीवन है। लेकिन मैंने सोचा कि नदी का पानी कितने लाखों करोड़ों लोगों को प्रसन्नता और संपन्नता देता है, लेकिन नदी जहाँ से निकलती है उसकी हालत क्या है, वो आजकल सूख जाती है। तो मैंने सोचा कि वो स्रोत देखें जिसने न जाने कितनी संस्कृतियों को मजबूत किया, वो स्रोत अगर कमज़ोर होगा तो संस्कृति और जीवन शैली भी कमज़ोर होगी। एक मन में विचार आया था, आज मैं 13वें नदी के उद्गम पर हूँ, जाना पाओ जाऊँगा तो ऑटोमेटिक 20 हो जाएंगी, क्योंकि वो एक जगह से ही साथ निकलती है। कोशिश है कि 16 तारीख तक हर दिन मैं किसी न किसी नदी के उद्गम पर रहूं और जो बच जाएंगी उनको 16 के बाद भी जाने की कोशिश करूंगा। ये आश्वासन नहीं है, संकल्प है। जितनी जगह पे मैं जा रहा हूं अगले वर्ष उतनी जगह पे फिर से एक बार जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मूल्यांकन किसी और का नहीं करना है, मूल्यांकन मुझे अपने और अपने सहयोगियों का करना है, मुझे दूसरे का नहीं करना मूल्यांकन। यदि हमारी टीम कहकर नहीं कर पाई तो मुझे लीड करने का अधिकार नहीं है, तो इसलिए मुझे किसी और की परीक्षा नहीं लेनी है, मुझे अपनी परीक्षा लेनी है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।